किंग्स का कंजम्पशन फंक्शन 60 रन कंजम्पशन फंक्शन है। किंग्स ने अपने कंजम्पशन फंक्शन के पीछे कोई एम्पिरिकल डेटा कलेक्ट नहीं किया है। एक्चुअली जो किंग्स का कंजम्पशन फंक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ इंट्यूशन के ऊपर और ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस है। किंग्स का मानना था कि अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिक्लाइन होता है। इसका मतलब यह है कि बढ़ती हुई इनकम का घटता हुआ भाग कंज्यूम होगा और बढ़ता हुआ भाग सेव होगा। इसी को हम साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन के नाम से भी जानते हैं। लेकिन साइमन कुजनेस ने टाइम सीरीज डेटा के आधार पर 60 वर्ष का डेटा कलेक्ट किया और उन्होंने बताया कि जो किंग्स का कंजम्पशन फंक्शन है वो डाउटफुल है। लॉन्ग रन में आप देखोगे तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहीं से डिक्लाइन नहीं करी है। इसका मतलब जो लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन होगा वो ओरिजिन से होके जाएगा। इसमें किसी तरीके का वर्टिकल इंटरसेप्ट नहीं होगा, इसमें किसी तरीके का ऑटोनॉमस कंजम्पशन नहीं होगा। और ये कंजम्पशन फंक्शन आपके एम्पिरिकल टेस्टिंग के ऊपर बेस्ड थी, इसलिए इसको हम साइमन कुजनेस का पजल भी कहते हैं।